भ्रष्टाचार के कुछ छींटे जो हैं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी पड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झगड़ा रोज रोज हंगामे में तब्दील हो रहा है। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन जिस अन्ना आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल का राजनीतिक जन्म हुआ, उन्हीं समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। अन्ना ने केजरीवाल की कथनी और करनी के भेद को खोल कर रख दिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि अन्ना की नजरों में ही केजरीवाल क्या से क्या हो गए, देखते देखते। वो घाव जिसकी हर टीस के साथ उनके दिल से यही आवाज आ रही है कि केजरीवाल क्या से क्या हो गए, देखते देखते। अन्ना आंदोलन से निकली केजरीवाल एंड कंपनी सदन से सड़क तक अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही है कि वो नई पॉलिसी के तहत शराब पिलाने जा रही थी तो क्या हुआ, पैसा तो लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल होगा। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई, अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, तो जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए, हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए क्या गलत करा। लेकिन अन्ना कहते हैं कि शराब अपने आप में बुराई है और जो बुराई है उसकी कमाई से भलाई कैसे होगी। अन्ना ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें केजरीवाल को आईना दिखाया है, ये बताया है कि हुजूर अपनी याददाश्त कमजोर ना हो तो अपनी किताब स्वराज को एक बार पलटिएगा जरूर। उस किताब में केजरीवाल ने शराब पर क्या लिखा है अन्ना ने वो पन्ना खोल दिया है। केजरीवाल ने हेडर लिखा है गांवों में शराब की लत की समस्या, अंदर लिखा है कि नेताओं की सिफारिश पर शराब का लाइसेंस मिल जाता है, अधिकारी घूस लेकर लाइसेंस दे देते हैं, लोगों से पूछकर शराब की दुकान खोलने पर फैसला क्यों नहीं लेते। केजरीवाल सुझाव देते हैं कि जब तक 90% महिलाएं तैयार ना हो तब तक शराब की दुकान नहीं खुलेगी। केजरीवाल की इसी अदा पे तो अन्ना फिदा हो गए थे, उनको लगा था कि चेला बड़ा नाम करेगा, लेकिन जब केजरीवाल नई शराब नीति ला रहे थे क्यों नहीं अपनी ही किताब पढ़ ली जिसमें शराब का विरोध किया। नई शराब नीति बनाने के लिए 90% महिलाओं की राय क्यों नहीं पूछी, और क्यों नहीं ये बताते कि जब शराब का लाइसेंस घूस खिलाकर मिलता है तो उनकी नई शराब नीति में लाइसेंस के लिए क्या घूस नहीं ली जाती। नहीं नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है, समाज और देश तो बज में गया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जाँच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई शराब नीति पर आम आदमी पार्टी की लीपा पोती है और बीजेपी का हमलावर तेवर। मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। हमारा संघर्ष अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। हर विभाग में भ्रष्टाचार, देश की सबसे भ्रष्टतम, मैं कहूंगा ये भ्रष्टतम राज्य सरकार है देश की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार। केजरीवाल की राजनीतिक हिम्मत की दाद दीजिए कि वो शराब पिलाने की नीति बनाते हैं और अपनी महान राजनीति के लिए सीना भी ठोकते हैं। पुरानी शराब नीति में रात 9 बजे तक ही होटलों में शराब पिलाई जाती है, केजरीवाल वाली शराब नीति में रात 3 बजे तक जाम छलकाने का इंतजाम था। पुरानी नीति में खुले में शराब पीने पर रोक है, अब ईमानदारी में नहाए केजरीवाल की चली होती तो लोग खुलेआम जाम छलकाते। पुरानी शराब नीति में शराब पीने की उम्र 25 साल है, केजरीवाल का बस चलता तो आप 21 के हुए नहीं, आपका स्वागत दिल्ली में वो शराब से करते। पुरानी नीति के तहत 40% दुकानें ही निजी हाथों में हैं, केजरीवाल की शराब नीति चल गई होती तो ये होता कि आप आइए लाइसेंस ले जाइए और शराब पिलाइए, जमकर जाम छलकाइए।
और तब केजरीवाल उन दिनों को भूल गए जब शराब के मोहल्ले मोहल्ले खुलने वाले ठेके का विरोध करते थे। शराब के ठेके तो बंद नहीं हुए, लेकिन केजरीवाल ने अपने आदर्शों के आंख नाक कान जरूर बंद कर दिए। ये शराब का सवाल अन्ना के जहन को अब मत रहा है, लेकिन 10 साल पहले ही उनको बड़ा झटका लगा था जब केजरीवाल ने उनके आंदोलन को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जरिया बना लिया था। मैं खुद कोई पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई पक्ष निकालूंगा, ना मैं राजनीति में जाऊंगा। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फल सुखदायकं, निष्काम कर्म यही भगवान की पूजा है। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। अन्ना को लगा था कि केजरीवाल उनके आंदोलन वाली विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने उस विरासत के कंधे पर अपना पैर रखा और छलांग लगा दी सत्ता के अखाड़े में। अन्ना को लगा कि चलो, चेला राजनीति में गया है तो कुछ अच्छा करेगा। जब केजरीवाल ने विधायकों की तनख्वाह 3 गुना कर दी तो फिर अन्ना सोचते रह गए कि केजरीवाल क्या से क्या हो गया। देखते देखते सोने की चिड़िया कहने वाला भारत सोना क्यों गिरवी रखता, हिमालय जैसे पहाड़ी क्यों बन गई इस देश पर, इस देश के लिए राजनीति से सही भाषा नहीं मिलेगा। अन्ना ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को अपने आंदोलन की दुहाई दी है, लेकिन केजरीवाल के सियासी पैर उस आंदोलन से बहुत दूर जा चुके हैं, किसी और सत्ता वाली मंजिल की तलाश में। ABP News आपको रखे आगे।